टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के चरनीपाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारिश के पानी से अजगर सांप निकल के लोगों के घरों में घुसने की कोशिश करने लगा। लगभग 10 फीट लंबा ये अजगर सांप इलाके के लड़कों ने जब देखा तो इसे पकड़ने की कोशिश करने लगे और ये अजगर नाले में घुसने लगा। मगर तभी लड़कों ने किसी तरह से इस 10 फीट लंबे अजगर को पकड़ लिया और इसे मुंब्रा पुलिस स्टेशन लेकर गए। इस दौरान मुंब्रा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ ने इसकी सूचना फॉरेस्ट विभाग को दी और अजगर को मुंब्रा पुलिस ने फॉरेस्ट विभाग को सौंप दिया है। इस अजगर को जिन युवकों ने पकड़ा है उन लोगों ने क्या कुछ कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? अकबर यासीन। कहाँ मिला ये सांप आप लोग? ये ऊपर जो गांव देवी है तो शहर में ऊपर पाड़े पे वहाँ से ये लगता भर के आये है नाले में। और घर में गाँव देवी वो सेम्बोसिस स्कूल के पास ऊपर जो घर में है ना ये वहाँ से ही आया है। और मिला कहाँ पे आप? नाले के पास हम लोग के घर के पास ना ये भटेला है। हम लोग देख रहे थे नाले में चरनीपाड़ा के पास इतना पानी निकला तो निकालने लगे ले सब भोजन जमा हो गए। हम लोग सबके घर में पानी है उधर तो सब अभी कैसा हैरान हो गए कि पानी ये रोज हैरान कर रहा था। तो देखे तो ये ऐसा है हम लोग को लगा कि तावेल भी ले क्या मतलब बराबर समझ में नहीं आया वो गंदे पानी में। देखे तो ये भटेला है उधर बाप अभी पुलिस स्टेशन लाए मारने से अच्छा इसको जान बचेंगी इसके लाके हम लोग सीधा यहाँ सबमिट किया। जिंदा था अगर उसको छोड़ भी देते थे किधर तो भूखड़ मगज मारी। अरे बाबा इनके पास था अभी यहाँ से आया यहाँ से इसको काटा इसको ले लिया। अभी पुलिस ने तो वन विभाग को अरे हमारे जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना वो मंग रहे थे हमको दे हम लोग सीधा पुलिस में सबमिट करेंगे। साफ से बात करो किसको।